हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो प्लीज़ वीडियो पे जो भी न्यू आए सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो ये मॉर्निंग का समय है तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज मैंने जो अपना व्लॉग है वो सुबह से स्टार्ट किया है, वो भी खाने से है। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ मिक्स वेज, तो उसी के लिए यहाँ पर टमाटर, हरी मिर्च वगैरह मैं कट कर रही हूँ, और इसको मैं मेथी, सौंफ और कलौंजी वगैरह में मैं तड़का लगाती हूँ। बाकी इसमें प्याज वगैरह कुछ नहीं डालती, सिर्फ यही दो तीन चीज़ें डालती हूँ। और मिक्स वेज में मतलब सब कुछ है, गोभी, मटर, गाजर, आलू, बीन्स वगैरह, ये सब मैंने रात को ही कट करके रख दिए थे। तो मॉर्निंग में उठ के ये मैंने इनको वॉश करके रख दिया था, ताकि इनका जो पानी है ना अच्छे से सूख जाए और सब्जी जो है मेरी वो खिली खिली सी बने। तो बस मैं उसी को ही यहाँ पे तड़का लगा रही हूँ। तो देखो, देखने में ही बहुत अच्छी लग रही है सब्जी। तो अब मैं इसको ढक के रख देती हूँ, तो ये धीमी धीमी आँच पे मतलब बनती रहेगी। तो मैंने इसमें तड़का लगा दिया। ना रात में बनाए थे बथुए के पराठे, तो थोड़ा सा बथुआ मैंने बचा लिया था क्योंकि रात बनाए थे आलू में मिक्स करके, और जो बथुआ मैंने बचाया है इसको मिला के मतलब आटे में मिला के तो पराठे बनाऊंगी। तो इसमें मैंने लहसुन, हरी मिर्च और अदरक डाला है, तो इस बथुए को मैं पीस लेती हूँ, इसका पेस्ट बना लूँगी और फिर आटे में मिक्स करके तब इसके पराठे बनाऊँगी। ये बहुत टेस्टी लगते हैं, और आलू में मिला लो बथुआ वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, और ये भी। तो इसको पीस लेती हूँ पहले, फिर आटे में मिक्स करके तब दिखाऊंगी आपको। तो मैंने यहाँ पे आटे में ना अपना बथुआ मिला के आटा लगा लिया था, और मैं यहाँ पे बना रही हूँ पराठे, क्योंकि नाइट में मेरा भाई भी आया था और इनको भी ऑफिस जाना है, और दोनों बच्चे स्कूल जाएंगे, तो मुझे थोड़ा जल्दी हो रही थी। तो मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर करके पराठे बनाना स्टार्ट कर दी हैं। तो एक साइड मैंने रख दी है, इधर पहले दूध करूँगी बच्चों के लिए, फिर चाय बनाऊँगी, और उधर पराठे भी बनाती रहूँगी, क्योंकि दोनों खा के जाएंगे, हस्बैंड और मेरा भाई, और बच्चों के लिए टिफ़िन पैक करूँगी। और पराठे बनाने से पहले मैंने यहाँ पे बनाई थी रोटियाँ दोनों के लंच के लिए, क्योंकि हस्बैंड भी रोटी लेके जाएंगे और भाई भी, पराठा तो खा के जाएंगे, सिर्फ वो रोटियाँ लेके जाएंगे। तो पहले मैंने रोटी बनाई, फिर पराठे बना रही हूँ यहाँ पे। और इस तरह से बनाओ ना बथुए के पराठे, तो टेस्टी लगते हैं, थोड़ा करारापन भी हो जाता है उनमें अगर हम दबा दबा के सेकते हैं। और आलू के रात में बनाए थे, लेकिन उससे ज़्यादा जो है सुबह अच्छे लगे, जो आटे में मिला के मैंने बथुए को बनाए पराठे, वो ज़्यादा टेस्टी लगे। तो वही सब मैं यहाँ पे बना रही हूँ। और खाना वाना बनाने के बाद फिर इन सब का लंच पैक करना है, और फिर अपना भी पराठे वगैरह बनाने हैं, क्योंकि टाइम हो गया था यहाँ पे ज़्यादा ही। एक दिन कुछ चीज़ें आप एक्स्ट्रा कर लो तो ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो वही सब मुझे यहाँ पे आज थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है, क्योंकि पहले सब्जी बनाई, फिर रोटी, और अब पराठे के लिए दोबारा आटा लगाया था। तो यहाँ पे पराठे, फिर चाय, दूध। तो सुबह के टाइम में काम ही इतना ज़्यादा हो जाता है कि लेट हो ही जाते हैं, चाहे आप कितना भी सुबह उठ लो, थोड़ा टाइम लग ही जाता है। तो पहले यहाँ पे मैं बना लेती हूँ पराठे। मैं सीधा आपको नहाने के बाद मिल रही हूँ, और सुबह सुबह ना नहा के ठंड लग रही है, क्योंकि धूप तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है और ठंड हो रही है, कई दिन से कोहरा भी पड़ रहा है तो ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। तो काम वाम करके मैं नहाने चली गई थी, और अब मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय। तो चाय पीते हैं, क्योंकि ठंड लग रही है, सिर वैसे धोया है ना तो उस दिन ज़्यादा ठंड लगती है। तो चाय पियेंगे और अपने कम्बल में बैठेंगे, क्योंकि धूप नहीं निकल रही है, तो बाहर जाने का तो मतलब ही नहीं बनता कि हाँ भाई बाहर बैठो आज, तो कमरे में ही बैठूंगी। और खाना खाते हुए मैं अपना टीवी भी देखती हूँ थोड़ा सा, मतलब इतना खाना खाती हूँ इतना मैं टीवी देखती हूँ, और फिर बच्चे आ जाते हैं, बच्चे देखते हैं अपना, तो मुझे नहीं देखने देते, तो इतने नहीं आते ना, इतना मैं देख लेती हूँ। बच्चे, लड़की 10:30 आती है, लड़का 11:30 बजे, तो दोनों के एग्जाम चल रहे हैं तो जल्दी आ जाते हैं। तो चलो भाई अपनी चाय बना लेते हैं, और बाल हो रहे हैं अभी गीले एकदम, और मैंने अभी बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है अपनी, क्योंकि जिस दिन सिर धोती हूँ उस दिन मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ। तो चाय बना लाती हूँ, उसके बाद मैं मिलूँगी आपसे।
निकल गई है, मैं बैठी हूँ धूम में, तो उधर को मुँह नहीं करा क्योंकि अभी मुझे दिख नहीं रहा है ठीक से कि मैं चमक भी रही हूँ फोन में या नहीं। तो धूप अच्छी निकल गई है, 11:30 बजे निकली है और अब मैं बैठी हूँ अपना बथुआ मेथी सब कुछ लेके साफ़ करने के लिए, साग वगैरह। तो साग कल बनाऊँगी, आज शाम को पुलाव बनाऊँगी। तो मटर वगैरह मतलब सब कुछ रख लिया है, धूप में बैठ के ही साफ़ करूँगी, मटर वगैरह भी छील लूँगी क्योंकि धूप में बैठ के ही काम करने का मन करता है। ठंड जब लगती है ना अंदर बैठे रहो कंबल में तो काम करने का मन नहीं करता। तो मटर वगैरह सब कुछ रख रखा है तो मैं दिखाती हूँ। ये मटर है और इसमें भी थोड़ी सी मटर है, इसमें मेथी और सरसों वगैरह है। तो इन सबको यहाँ बैठ के मैं साफ़ करूँगी और मतलब मेथी को कट करके भी रखूँगी क्योंकि सुबह बनाऊँगी, मटर छील के रखूँगी शाम के लिए। तो ये सब काम कर लेती हूँ और बैठते हैं अपने आराम से धूप में। मैंने सारा काम वाम कर लिया था धूप में बैठ के, अपना जो मटर वगैरह थी मेथी वगैरह सब साफ़ करके कट करके रख दी है और शाम को पुलाव बनेगा तो उसके लिए मटर वगैरह छीली थी। और अब हम बैठ गए हैं अंदर कमरे में, तो ये दोनों कर रहे हैं अपनी पढ़ाई, वो होमवर्क कर रहा है, ये पढ़ाई कर रही है और मैं खाऊंगी मूँगफली। तो मैं इसी टाइम अब खाना वाना खा के दोपहर का सारा काम करके इस टाइम बैठ के आराम से मूँगफली खा के फिर हम सो जाते हैं। तो टाइम हो रहा है 3:15 हो रहे हैं अभी, तो 2 घंटे के लिए हम रेस्ट करते हैं और अपना गट्टू और स्वीटी भी सो गए हैं। तो कल ना उसकी मैंने थोड़ी सी एक वीडियो बनाई थी क्योंकि मैं मूँगफली खा रही थी तो मेरे मुंह में से छीन रहा था, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, मतलब वो क्लिप भी ऐड करूंगी। तो बातें सुन रहा है मेरी, सो रहा है, तो अभी दिखाती हूँ कैसे सो रहे हैं दोनों। और गट्टू उठ गया था जैसे ही मैं बोलने लगी, तो इन दोनों को भी नींद आ रही है और हम भी अब सोते हैं। और इसमें है मूँगफली, इस पिनी में है रेवड़ी और गज्जक। तो मूँगफली खा लेते हैं हम, उसके बाद अब सीधा मिलेंगे शाम को। देखो मैं मूँगफली खा रही हूँ तो गट्टू कैसे मांग रहा है, खाने मिली दे रहा मेरे को, इसको मूंगफली बहुत अच्छी लगती है गट्टू को, देखो कैसे छीन रहा है। छिलका ले गया, मूंगफली छोड़ते नहीं है बिल्कुल भी, ये बहुत अच्छी लगती है, इसको परम देते नहीं, मूंगफली अच्छी नहीं होती इसके लिए। गट्टू ले देख, गट्टू इसको छिलका मिल गया है तो उसमें मस्त हो गया अभी, ये ऐसे करता है मुंह में से निकाल लेता है मूंगफली को। जो कि मैंने दिन में धोए थे, अभी फोल्ड नहीं करे हैं, ऐसे ही टप में करके रख रखे हैं, तो अब करूँगी मैं इनको फोल्ड। तो पुलाव बन चुका है, पहले पुलाव देखते हैं कैसा बना है, इनको बाद में करेंगे पुलाव। देखो बन गया है, खिला खिला।